फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर। आज की जो हमारी वीडियो है वो आज हमारी बैलून की है। आपने देखा होगा हमने बचपन में बैलून मुंह से या एयर पंप से फुलाते थे, लेकिन आज हम बैलून मुंह से नहीं, एयर पंप से नहीं, आज हम बैलून फुलाएंगे अपनी बाइक से, जो हमारी बाइक है स्प्लेंडर। ये हमारी बाइक स्प्लेंडर प्लस है। और आज हम दूसरा जो धमाल करने वाले हैं वो हमारे पास है ट्रैक्टर महिंद्रा 265 DI। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास जो बैलून है वो स्मॉल नहीं, बिग बैलून है। तो आज हम बाइक के साइलेंसर में इसको टेपिंग कर देते हैं, देखते हैं कि बाइक कितना बड़ा इसको फुलाती है या नहीं फुलाती, फटता है, क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास टेप है जिसकी मदद से हम इसको टेपिंग कर देंगे। ये हमारा रेडी हो चुका है, हमने इसको टेपिंग कर दी है और अब हम बाइक स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। बैलून हमारा बिल्कुल रेडी है और अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करिए। फ्रेंड्स, आपने देख लिया होगा कि बैलून कितना बड़ा हो चुका था और हमने जो बैलून बाइक के साइलेंसर पे लगाया था तो उस पर ज़्यादा प्रेशर की वजह से वे फट चुका है। मैं आपको बैलून दिखा देता हूँ कि बैलून का हाल क्या हो चुका है। ये देखना, ये देखिए बैलून पूरा फट चुका है काफ़ी। और अब हम करते हैं दूसरा धमाल, जो मैंने आपको बताया था महिंद्रा 265 DI। तो इस पे अब हम इसके साइलेंसर पर, ये यहाँ पे इसका साइलेंसर है और इस पे हम बैलून लगाएंगे और इस पे भी देखते हैं कि ये फुला पाता है या नहीं। तो चलो इसको भी ट्राई करते हैं। और ये हमारे पास दूसरा बिग बैलून, तो स्टार्ट करते हैं। बैलून रेडी हो चुका है, टेपिंग कर दी है और अब हमारे पास महिंद्रा 265 DI, इसको मैं स्टार्ट कर देता हूं और ये बैलून को भी देखता हूं कि कितना ज़्यादा ये बिग होता है। और वीडियो के लास्ट तक बने रहे, स्किप मत करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी? तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को हमारी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओहो, रुको रुको रुको, और वो हाँ, घंटी बजा देना भाई।